साथियों, एनएस जैन का प्यार भरा नमस्कार। आपने मुझे कुछ दिन पहले वीडियो के अंदर बड़ा नर्वस देखा होगा, लेकिन आज मैं आपके सामने दुगुने जोश के साथ में वापस आपके सामने हाजिर हूं, आपका डॉक्टर एनएस जैन। यस, आई एम बैक अगेन। मुझे आपको ये बताते हुए बहुत बहुत हर्ष हो रहा है कि हमारा चैनल आप सबका चैनल, मेरा नहीं, आप सबका चैनल बायोलॉजी बाय डॉक्टर एनएस जैन इज रिकवर्ड एंड इट इज बैक अगेन। ये केवल और केवल संभव हो पाया आप लोगों की दुआओं के कारण। आप सभी जो बच्चे हैं उनकी दुआओं के कारण ही ये संभव हो पाया। वास्तव में दोस्तों, मैं इस बात को मान गया कि बच्चों की दुआएं कभी खाली नहीं जाती। मेरे इस कठिन समय के अंदर जब मेरा चैनल हैक हो गया था, आप लोगों ने जो प्यार दिया, जो स्नेह दिया, जो सपोर्ट दिया, जो संबल दिया, उसके लिए तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं ये एहसान समझ लीजिए आपका कभी भी नहीं भूलूंगा। आप लोगों ने जो सपोर्ट दिया मुझे, YouTube से लगाकर, Twitter से लगाकर, Facebook से लगाकर, Insta से लगाकर, आप लोगों ने जो सपोर्ट दिया, उसके लिए तहे दिल से एक बार फिर से मैं धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप लोगों की जीत है, ये मेरी जीत नहीं है। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट दिया, मेरी फैमिली ने विशेष तौर से, जो मेरा बड़ा बच्चा है उसने अपनी पूरी ताकत झोंक कर जितना संभव हो पाया उसने इस चैनल को रिकवरी करने में मेरा पूरा पूरा योगदान दिया। मेरी फैमिली ने मुझे इस कठिन समय के अंदर बहुत सपोर्ट दिया, क्योंकि दोस्तों दुख इस बात का था कि जब आप बिना बेनिफिट के कोई चीज काम कर रहे होते हैं और जब आप अच्छा काम कर रहे होते हैं और अचानक से इस तरीके की घटना हो जाती है तो बहुत दुख होता है। लेकिन जब चैनल रिकवर हो गया है और बहुत जल्दी रिकवर हो गया है तो दोस्तों मन में दुगना जोश भी है। आप ये जो चेहरे की मुस्कुराहट है एनएस जैन की, ये लाने वाले आप लोग हैं। आपके कारण ही, आपकी दुआओं के कारण ही ये चैनल बैक हुआ है। और जैसा मैंने आप लोगों को वादा किया था कि यदि चैनल रिकवर हो गया तो बायोलॉजी को छाप दूंगा, और यस दोस्तों, अब हम लोग इस बायोलॉजी के इस युग के अंदर हम लोग एक नई क्रांति लाएंगे, चैनल को एक बहुत ऊंचाई तक लेके जाएंगे। क्वालिटी और कंटेंट को कभी भी नहीं छोड़ेंगे। मैंने पहले भी बिना किसी बेनिफिट के मैंने काम किया और अब भी बिना किसी बेनिफिट के काम करेंगे। दूर दराज के भारत के अंदर बैठे हुए बच्चे जो किसी कारण से कोचिंग नहीं जा पाते हैं, जिनको क्वालिटी और कंटेंट बेस्ड वीडियो नहीं मिलते हैं, उनके लिए साथियों जान लगा दूंगा, ये मेरा वादा है। बायोलॉजी को तो छापेंगे अब तो ये आपसे वादा है। जम के काम करूंगा, मुझे जितना भी समय मिल पाएगा आप लोगों के लिए, मैं रात भर यदि काम करना पड़ा तो भी काम करूंगा। इसी तरीके से प्यार मुझे देते रहिए। मैंने खूब कोशिश की है पहले भी अच्छा काम करने की, अब भी करेंगे। और मैंने आप लोगों के लिए, मैं आज अंदर से इतना खुश हूं कि मैं कुछ आपके सामने आज घोषणा भी करना चाहता हूं। हम लोग वीडियोस तो आपके सामने डाल ही रहे थे, लेकिन अब क्योंकि पिछले 4 साल से, 2017 से जब मेरे पास में कमेंट आते थे तो बच्चों के, टीचर्स के, सब लोग ये कहते थे कि सर मार्केट के अंदर यदि बुक्स अवेलेबल है, नोट्स अवेलेबल है तो बहुत कॉस्टली है। तो मैंने अब ये डिसाइड किया है कि मैं अब आपके लिए नोट्स की भी सीरीज लेके आऊँगा, हिंदी मीडियम के लिए भी और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी हम नोट्स की, स्टडी मटेरियल की पूरी एक सीरीज लेकर आएंगे। हम लोग ऐसा प्लान कर रहे हैं कि पूरा के पूरा जो थ्योरेटिकल बुक्स होती है उसको तो मॉड्यूल्स के फॉर्म में आपके सामने लेकर आएँ। साथ ही साथ जितने भी जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह हैं फोर्थकमिंग डेज के अंदर, हम लोग जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए हम लोग जो है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड बुक्स भी लेकर आए। मार्केट के अंदर बहुत सारा स्टडी मटेरियल है, लेकिन मेरे मन के अंदर जो पीड़ा है वो ये है कि वो बहुत कॉस्टली है ना, बहुत कॉस्टली है। बुक्स भी बहुत कॉस्टली है, कहीं मॉड्यूल आप लोग खरीद रहे हैं तो वो भी बहुत कॉस्टली है। मेरी दिली इच्छा है कि केवल और केवल उस स्टडी मटेरियल का जो केवल प्रिंटिंग के जो एक्सपेंसेस आएंगे, बस उतने से एक्सपेंसेस रखकर और मैं आपके लिए उस स्टडी मटेरियल को लॉन्च करूंगा।
सबसे बड़ी जो पीड़ा है वो तो ये है कि हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए मार्केट के अंदर बुक्स ही नहीं है। वो बच्चे भटकते रहते हैं लेकिन उनको अच्छे राइटर की बुक्स ही नहीं मिलती है। तो मैं हिंदी मीडियम के लिए भी और इंग्लिश मीडियम के लिए भी बुक्स लेकर आऊँगा। पहले भी दोस्तों हम लोग वीडियो जो है वो हिंदी मीडियम के अंदर अलग से बना रहे थे, इंग्लिश मीडियम के अंदर अलग से बना रहे थे। हम लोग भरपूर मेहनत कर रहे थे और बीच में हादसा हो गया, इसलिए मन में बहुत दुख था। क्योंकि शायद ही भारत के अंदर कोई बायोलॉजी का मेरी जानकारी के अंदर नहीं है कि ऐसा कोई चैनल हो जहां पर हिंदी मीडियम के भी वीडियोज अलग बनाए जा रहे हैं और इंग्लिश मीडियम के भी वीडियोज अलग बनाए जा रहे थे। अभी भी हम लोग उसको मेंटेन करेंगे। मेरे इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो और हिंदी मीडियम वाले बच्चे दोनों के लिए मैं भरपूर वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगा, बैलेंस करने की कोशिश करूंगा कि मैं आपके लिए बहुत सारे वीडियोस लेकर आऊं। तो आने वाले दिनों के अंदर आपको स्टडी मटेरियल भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे। थोड़ी सी दोस्तों देर हो सकती है क्योंकि व्यस्तता रहती है, उसके लिए माफ करना, लेकिन बहुत जल्दी हम लोग स्टडी मटेरियल को लॉन्च करेंगे और बहुत बहुत सब्सिडाइज्ड रेट्स के ऊपर, बहुत कम के ऊपर। केवल और केवल एक ही सपना है कि मेरे देश के बच्चे आगे बढ़े, जो मेरे ग्रामीण परिवेश के जो बच्चे हैं राइट, वो आगे बढ़े। यदि किसी कारण से कोई बच्चा आगे नहीं बढ़ रहा है तो वो पैसे के कारण रुके नहीं, वो आगे बढ़े। बस मेरा यही सपना है। क्वालिटी वीडियोस जो है वो हम डालते रहें, कंटेंट बेस्ड वीडियो डालते रहें, आप लोग इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें। आपका जो सपोर्ट है मुझे ताकत देता है, दुगुनी ताकत देता है। ये चेहरे के ऊपर जो मुस्कुराहट है आज फिर आ चुकी है, इसलिए आप हैं, आप उसके लिए जिम्मेदार हैं। और हम लोग इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। चैनल को भी आपने खूब सपोर्ट किया इन 4 सालों के अंदर, आपने खूब प्यार दिया, आगे भी इसी तरीके से प्यार देते रहिए। हम लोग अब रोज मिलेंगे आपके सामने। कोशिश करूंगा कि मैं वादा तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम वीडियोस जो है वो आपके लिए मैं लेकर आऊं। जितने टॉपिक्स हैं पढ़ना चालू कीजिए बच्चों, एनएस जैन इज बैक। हम लोग वापस फिर से आ गए हैं। आपकी पढ़ाई के अंदर हर्डल आ गया था कुछ दिन के लिए, 9 तारीख को चैनल हैक हुआ था और आज जो है 10 या 11वां दिन हो चुका है। आपकी जो पढ़ाई जो हर्डल हुई है उसको वापस से आप कंटिन्यूएशन में ला दीजिए। निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ में हूं। अब तो मैं कोशिश ये भी करूंगा कि आपसे और ज्यादा संपर्क बनाऊं। आपको मालूम है कि मैं एक्चुअली कॉन्टेक्ट आप लोगों से कम रखता था, लेकिन अब तो मैं ये भी वादा करता हूं कि हम लोग लाइव भी आएंगे, आपसे कॉन्टेक्ट भी करेंगे, इंस्टा के ऊपर भी रिप्लाई करेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूं कि समय निकालूं आपके लिए रोजाना आधा एक घंटे और आप लोगों के कमेंट्स को मैं रिप्लाई दूं। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं राइट, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सकता है मैं आपसे संपर्क बनाए रखूं। मैं तहे दिल से उन सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन लोगों ने इस कठिन समय में मेरा सपोर्ट किया। विशेष तौर से जो पूरे के पूरे देश भर से जो शिक्षकों ने मुझे जो सपोर्ट किया, बच्चों ने तो मुझे सपोर्ट किया ही लेकिन शिक्षकों ने भी जो सपोर्ट किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक शिक्षक हैं जो कि यूपी से हैं, है ना, उन्होंने मेरे लिए एक वीडियो बनाया कि बायोलॉजी जो चैनल हैक हुआ उसके लिए बहुत दुखी थे वो लोग, उसके लिए मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कुछ यूट्यूबर्स थे जैसे कि आशीष करके एक हैं, जयपुर के अंदर है, वो भी केमिस्ट्री चैनल चलाते हैं यूपी के अंदर। जो यूपी के अंदर हैं उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, वो भी बायोलॉजी का चैनल चलाते हैं, उन्होंने भी सपोर्ट किया। बहुत सारे लोगों ने और भी टीचर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, है ना, उन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। उन टीचर्स जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। विशेष तौर से राणा जी जो कि यूपी से हैं, जो कि बीएससी की क्लासेस चलाते हैं, उनको भी धन्यवाद। आशीष जी मीना जो कि जयपुर के अंदर हैं, वो भी अपना चैनल चलाते हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और भी जितने भी शिक्षक हैं उनको भी धन्यवाद। कई सारे जो टीचर्स थे जिन्होंने कि मेरे वीडियोस को अपनी प्लेलिस्ट बना के और पूरा के पूरा उन्होंने सेट कर रखा था, उनके मेरे पास में मैसेज आए कि सर यदि आपके पास में बैकअप वीडियोस नहीं हैं, तो उन्होंने मुझे बहुत बहुत सुखद एहसास हुआ कि उन लोगों ने मेरे जितने भी वीडियोस थे उनको बहुत हाई पी के ऊपर उन्होंने सेव कर रखा था
और उन्होंने कहा कि सर यदि ये चैनल वापस नहीं भी आया तो सर बच्चों की पढ़ाई सफर नहीं होनी चाहिए। और उन लोगों ने मुझे इतना तक सपोर्ट दिया कि 600-700 वीडियोज़ उनके पास में थे कि सर हम आपको देने आ जाते हैं। इतना प्यार, इतना स्नेह शायद और कोई नहीं दे सकता है, राइट। तो उन लोगों को भी धन्यवाद जिन्होंने कि मुझे सपोर्ट किया, किसी भी लेवल के ऊपर सपोर्ट किया, उसके लिए धन्यवाद। आप लोगों के कमेंट जब मैं पढ़ता था तो मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ था इतना कि आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं। इन 4 सालों के अंदर आप लोगों से एक जो संवाद स्थापित हुआ, तो वो कहते हैं ना कि एक बच्चे को जो बड़ा करते हैं, एक छोटे से बीज से पौधा और फिर पेड़ बनता है, तो वैसे ही कुछ अपने YouTube चैनल के साथ में मेरा और आपका भी संवाद स्थापित हुआ था। तो उसके लिए बस केवल दुख मुझे उसी का था। मुझे दुख इस बात का नहीं था कि YouTube चैनल चला गया, क्योंकि मैं उससे कोई बेनिफिट नहीं ले रहा था, मैं कोई स्पॉन्सरशिप नहीं ले रहा था, लेकिन मुझे केवल दुख इस बात का था कि मेरे बच्चे अफेक्टेड हो रहे थे। आने वाले दिनों के अंदर कई सारे बच्चे लिख रहे थे मुझे कि सर नीट का एग्जाम है, अब हमारा क्या होगा, कई बच्चों के कम्पिटिटिव एग्जाम्स थे, उनका क्या होगा। तो आप चिंता बिल्कुल भी मत करें, मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ, खूब सारे वीडियोस बनाएंगे। तहे दिल से फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आई एंड माय टीम इज बैक अगेन, इसलिए बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। एनएस जैन पहले भी आपके साथ में था, अभी भी साथ में, शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी बायोलॉजी के वीडियो के साथ में। थैंक यू, नमस्कार।